प्रश्न में दिया हुआ है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का एक अद्वितीय हल है। समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, kx प्लस 6y बराबर 7। दो समीकरण हैं और इनका अद्वितीय हल निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में दो समीकरण होनी चाहिए। तो यहाँ देखो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 बराबर 0। पहली समीकरण लिखिए, दूसरी समीकरण लिखेंगे a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस 6x2 बराबर 0। जब इस तरह की समीकरण होती है तो उसमें क्या संबंध होता है? इस तरह के समीकरण में संबंध होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। ये रिलेशन निकालना होता है, इसी रिलेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसी के अनुसार रखेंगे, अब a1 की जगह पे हम 2x 2 रख देंगे और a2 की जगह पे k रख देंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे 6। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें ये कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा। तो क्या आएगा हमारा, के बराबर 4 और ये नहीं होगा बराबर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आएगा के बराबर 4 नहीं होगा। प्रश्न का आंसर हल आएगा के बराबर 4 नहीं होगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा के बराबर 4 नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।